चरणारविंद भक्त विदंत स्वामी श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त विंद की मिटाय गौर पिमनंदे हरि हरि हो। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपं पदामोऽयं कदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधीतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीमदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। बड़ा स्पेस कैसे लग रहा है? ठीक है, थोड़ा बन जाएगा तो थोड़ा बच्चे में आसानी होगा। आज झूलन जात्रा शुरुआत थी। झूलन जैसे हम देख रहे हैं वृंदावन में कैसे झूलन हुआ था आपको हम बताएं। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लास में थे ना? नहीं थे, बच गए। झूलन कैसे वृंदावन में होता है? वृंदावन में जमुना का तट में, जमुना का पास में एक बहुत बड़े समतल भूमि है। समतल मतलब प्लेन में, जहां नदी का जैसे बागीचा होता है ना, ऐसे बहुत बड़ा समतल जमीन है और उसे चार तरफ क्या लगा हुआ है? बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है। कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ना जिसको बोलते हैं पेड़
राइट या रॉन्ग ऐसे हो ऐसे माइक छोड़ के भी सब समझ पाएंगे हमारे जैसे गला है सब। वो जो समतल भूमि है चार तरह उधर लगा हुआ है, इंद्र नीलमणि जैसे ऐसे एक बाउंड्री किया गया है, ठीक है। स्टोन होता है नीलमणि, स्टोन होता है ना नीला, इंद्र नीलमणि स्टोन का लगता है ऐसे कुछ पेड़ लगा हुआ है जो पेड़ के बाउंड्री है लेकिन दिखने लगता है कैसे इंद्र नीलमणि जैसे नीलम जैसे। हर पेड़ का वो कल्प वृक्ष है, ऐसे महसूस होता है जैसे सारे पेड़ एक दिन में लगा हुआ है और एक जात का मतलब उसका गोलाई एक ही है, हाइट भी एक ही है और एक पेड़ दूसरे पेड़ को चुंबन करता है मतलब फटा हुआ है। वो पेड़ ऐसे सेटिंग किया गया जिसे लगता है भगवान जो इस विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है आज उनका झूलन महोत्सव के लिए पृथ्वी का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है। इसीलिए वो पेड़ को कब से लगा हुआ पता नहीं लेकिन आज के लिए लगा हुआ है और वो पेड़ हाइट बहुत ज्यादा हाइट है, ठीक है। ऐसे इंद्र नीलमणि जैसे चार बड़े बाउंड्री है और ग्राउंड पूरा एकदम समान है और कुछ गोपी लोग आते हैं, ठीक है। गोपी लोग कैसे आते हैं, कभी कर्ण प्रभु स्वयं वर्णन करते हैं आनंद वृंदावन चप्पू में। गोपी लोग जब आते हैं देखने में महसूस होता है जैसे कृष्ण हर्षवर्धिनी, कृष्ण का उनको देखने से कृष्ण का आनंद और बढ़ जाएगा, ऐसे वो लोग सजा उजा कर आए, समझ गए। जैसे आप किसको देखने जाते हैं मुंह काला कर बैठे हैं, आपको मन में थोड़ा दुख होता है, पूछते हैं क्या बात है, दुखी क्यों है, पूछते हैं ना। और कोई ज्यादा उत्फुल्ल है आनंदित है, आप सोचते क्या बात है इतना आनंद क्यों है। लेकिन वो जो गोपी लोग जो आए हैं उनको एक ही लक्ष्य था भगवान कृष्ण मन में हर्ष उत्पादन करना, इसीलिए वो लोग क्या किए ऐसे सजावट कर आए हैं लगता है जैसे भगवान को आनंद देने के लिए तैयार हो पाए। अभी दूसरा कुछ वन देवता लोग आए, वन देवता लोग आकर उसे सजाते हैं क्योंकि अभी कृष्ण का अधूरन होगा ना, कहीं सजाते हैं। बोलते हैं बहुत सारे चामर ले आए, चामर चामर कैसे सफेद होता है, चामर और रेशमी सिल्क कपड़ा ले आए, बहुत रंग बिरंगा कपड़ा है। और क्या लेकर आए, मुक्त का माला लेकर आए, और क्या लेकर आए, बहुत से रत्न का माला लेकर आए, अलग अलग रत्न का मिलाकर माला है और फॉल ऑफ फूल लेकर आए। आप ऐसे समझे मत, हम जैसे पत्ता कोई पेड़ से तोड़कर लगा दिया, फल कहां से आकर लगा दिया, फूल कहां से आकर दे दिया, ऐसे फूल फल नहीं है, भगवान खुद आएंगे ना। इसलिए हमारा जो छह सीजन होता है, सीजन कट होता है, ऋतु कट होता है, छठ होता है, कृष्ण वर्षा शीत शरद हेमंत वसंत, ऐसे होता है ना। छठ ऋतु में अलग अलग फूल होता है, अलग अलग फल होता है, सीजन का सीजनल फल। अब आजकल खेती करते हैं अलग अलग टाइम में अलग बात है, लेकिन जो सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फल होता है, आप जो फूल होता है, वो सारे ऋतु लोग आकर भगवान की सेवा के लिए खड़े। हम जैसे देखते हैं एक ऋतु जाएगा दूसरा ऋतु आता है, अभी आज का दिन ऐसे नहीं है क्योंकि आज खुद भगवान आएंगे। अभी जब भगवान आएंगे सारे ऋतु सवा अपने अपने पेट में जितना अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं भगवान खुश करने के लिए, सारे ताजा फल और ताजा फूल में भरा हुआ है।
ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी जो सिल्क कपड़ा है, मुक्ता का माला है, जो रत्न का माला है, वो सब कहाँ लगाए, जो चामर है कहाँ लगाए, जो पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, बहुत विस्तीर्ण लगा है, बहुत बड़ा एरिया है, उसका ऊपर में एक सोने का जाली लगा हुआ है, जाली होता है ना, ऐसे सोने का जाली लगा हुआ है चार तरफ, और ऊपर में वो सारे जो वर्णदेव का लोग लेकर आए, चामर उमर लेकर आए, वो सारे ऊपर से झूला है, समझ गए, मतलब पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं। और जब ऐसे डेकोरेशन चार तरफ हो गया, और ऊपर से चांदनी का रोशनी आती है, जब चांदनी का रोशनी आती है, तब रोशनी से नीचे बाली में जब उसका चाला का छाया होता है, वो छाया से नीचे लगता है कोई चावल वाल गिरा होना क्या, और हरिण लोग उधर घूमते हैं, वो सोचते हैं चावल खाएंगे, बोलकर मुंह मारते हैं, देखते हैं चावल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या उधर रोशनी है ना, चांदनी की रोशनी है, चावल तो है नहीं, चावल कैसे लगा होता है, जैसे जाली के अंदर जो रोशनी आती है उसी को देखकर वो समझते हैं चावल ऐसे ऐसे हर इन लोग क्या करता है, ठोकर खाते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारे पक्षी लोग आए, छोटा छोटा नीला रंग का, हल्दी रंग का, वो रंग का, छोटा बड़ा छोटा बहुत सारे पक्षी लोग आए, वो आकर अलग अलग जगह में अपना पोजीशन लेंगे, जैसे हम लोग गांव में जब होते थे, कभी कोई यात्रा वात्रा होता था ना, ड्रामा होता था, मैजिक होता था, ड्रामा होता था, तो हम लोग क्या करते थे, वो कब शुरू हुआ कोई बात नहीं, हम लोग पहले जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आगे सीट मिलेगा, है कि नहीं, ऐसे ही झूलन कब भगवान आएंगे बात पक्का नहीं है अभी, लेकिन झूलन भगवान तो आएंगे, इसलिए वो लोग क्या किए, सब आगे जाकर अलग अलग जगह में अपना पोजिशन लेकर बैठ गए, कैसे हम भगवान को देख पाएंगे, लगता है जैसे पूरा एक माहौल बन गया जहां भगवान आने के लिए सब एकदम तैयार है, और पूरा जो ग्राउंड बनाया था, ग्राउंड के बीच में एक झूला लगा जहां भगवान बैठेंगे, राधा रानी कृष्ण जहां बैठेंगे उसके लिए झूला बनाए, झूला कैसे बनाए ना, वो चंदन वृक्ष का, चार चंदन वृक्ष है, उसको बोलते हैं हरिचंदन, वो ऐसे सजा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, लगता है जैसे चार चार एक घर बन गया, ठीक है, चार चार घर बन गया, और इतने बैलेंस है, इतना सुंदर बना हुआ है, लगता है वो सौंदर्य का वो जन्मदात्री है, सौंदर्य तो ऐसे है बनाना पड़ता है ना, फिर आज का दिन क्या होता है, लगता है चार चार ऐसे बना है, इतना बलान से सुंदर बना है, लगता है सौंदर्य वही उगेगा, अभी प्रोडिक्शन है सौंदर्य, लगता है, और ऊपर से सोने का चेन लगा हुआ है, सोने का चेन का अंदर एक पलंग बैठ लगा है जहां भगवान राधा माधव बैठे, और पलंग का ऊपर क्या किया गया है ना, अच्छा तकिया लगाए और मखमल कपड़ा में उसको सजाए, लगता है ऐसे जैसे जैसे बर्फ एक स्नो होता है ना, सफेद होता है ना, दूध भी सफेद होता है, मिल्क व्हाइट अलग होता है, स्नो व्हाइट थोड़ा अलग होता है कि नहीं, लेकिन कभी कभी लोग उसे वर्णन करते हैं, लेकिन वो लगता है पूर्णिमा चांद का जो रोशनी है उसी को मंथन करने से जैसे आएगा, जैसे दूध को मंथन करने से थोड़ा जो माखन निकलता है ना, कितना सॉफ्ट होता है और व्हाइटिश होता है, ऐसे ही जैसे जो चंद्र का जो किरण है, रोशनी है, वो रोशनी को मंथन करने से जैसे उसका सॉफ्टनेस आएगा, जैसे रंग आएगा, ऐसे बना हुआ है भगवान बैठते, ठीक है।
सोने का चेन लगा हुआ है, पलके सजा हुआ है और वो पलके के महत्वपूर्ण बात क्या बात है, जैसे हम अभी इधर बैठे हैं, हम एक तरफ देखते हैं, ना इधर देख पाते ना इधर देख पाते ना पीछे देख पाते, है कि नहीं? जनरली हर जगह में ऐसे होता है, लेकिन आज के दिन ऐसे नहीं है। आज ऐसे भी पलकी बना हुआ है जहां भगवान बैठने के बाद अष्ट दिग्पाल हमारे चार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, नैऋत्य अग्निकोण ईशान कोण वायव्य कोण, चार कोण होता है, आठ तरफ से जो माने दिग्पाल वो लोग देखते हैं जैसे लगता है वो जो पालकी है ना जहां कृष्ण बैठेंगे अभी वो उन्हीं के तरफ प्रसिद्ध है, ऐसे लगा हुआ पता चलता है, इसे वो सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचते हैं, हर दिग्पाल सोचते हैं वो पालकी हमारे तरफ किसी में, हम कृष्ण को ही दर्शन करते पूरा दर्शन करता है। जैसे हम लोग का जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन हम समझ नहीं पाए कैसे है, ये भगवान चाहे सब कुछ होता है, भगवान के असंभव कुछ नहीं। ऐसे अष्ट दिग्पाल वो लोग अपने अपने अलग अलग जगह में भगवान दर्शन के लिए तैयार है। और क्या किया गया, वो चारों दिग में एक एक अलग अलग पालकी बना हुआ है, जो बड़े बड़े गोपी होते हैं ना, जैसे आप आपका इंडिपेंडेंस डे पैरेड होता है, अलग अलग नाम रखा है, कौन कौन कहां कहां बैठेंगे, हर आदमी हर जगह बैठ नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही जो जूतेश्वरी होते हैं, जूते मतलब ग्रुप जूतेश्वरी लोग जो होते हैं उनके लिए बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाया गया है, और चार अलग अलग सेट किया गया, जैसे कहां चंद्रबड़ी बैठेगी, कहां दूसरा गुप्ती लोग बैठेंगे, सब अलग अलग जगह बनाए और जगह बनाकर सब तैयार है। कौन बना रहे हम लोग ना, जो वन देवता लोग आए हैं अभी ऐसे बनाने के बाद कुछ दूसरा जानवर लोग आते हैं, जैसे वर्णन करते हैं जब ऊपर में लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, सोने का चांदुआ है नेट का, और जब कोई दर्शनार्थी आते हैं तो उनको देखने में ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी देवी वृंदावन को दर्शन करने आए हैं और भगवान कृष्ण का इस झूलनगर का दर्शन करने के लिए इस मिट्टी को अवलोकन करने के लिए, मतलब जीव में टेस्ट करने के लिए, हम जब वृंदावन जाते हैं ना परिक्रमा करते हैं तो मिट्टी में प्रणाम करते हैं, थोड़ा मिट्टी खाते हैं, ठीक नहीं, ऐसे इस मिट्टी को टेस्ट करने के कौन, लक्ष्मी देवी जब प्रणाम कर रहे मिट्टी को उनका सारे मुक्त का माला जैसे वहीं अटक गया, कहां आसमान। और कैसे लगता है, लगता है जैसे वृंदावन का जो जमुना का जो हवा है, मृदु हवा है, हल्का हवा बहती है, हवा से वो एक मुक्त का माला दूसरे के साथ टक्कर लगता है, ये टक्कर लगता है एक अच्छा मधुर शब्द निकालता है, कभी कभी हल्का साउंड भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ऐसे वो शब्द भी एक मनोरम शब्द बना दिया। और क्या होता है, जो रेशमी वस्त्र लगा हुआ है इतना रंगीन लगता है, आप देखेंगे जब यूनाइटेड नेशन में अलग अलग देश का अलग अलग फ्लैग, कई रंग का फ्लैग लगा है, ऐसे वो लगता है कोई रंग बिरंग का पक्षी सकल, बड़े बड़े पक्षी होते हैं ना वो सहित उड़ते हैं, उनका रंग बिरंग का सिल्क कपड़ा जब हिलता है। और कैसे लगता है, लगता है जैसे चांदनी
चांदनी का जो रात होता है, चांदनी के रात में उसके साथ चांदनी के रात को एक तालाब के साथ तुलना किया गया है। वो तालाब से जैसे राजहंसल उड़कर आते हैं, मतलब आसमान पूरा सफेद है चांदनी के रात में, वही से लगता है जैसे राजहंसल लोग उड़कर भागते हैं। वो कैसे लगता है जो चामर लोग उनके ऊपर है ना, वो चामर तक तो ऐसे महसूस होता है। और क्या होता है, और लगता है सारे देवता लोग आकर ऊपर में पोजीशन लेकर बैठ गए। देवता लोग, गंधर्व लोग, किन्नर लोग, वो सारे आए हैं। क्यों आए हैं? आज भगवान का इस झूलन हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करने, झूलन दर्शन करने उनके इतना लगन लग गया, अलग अलग जगह से अपना अपना म्यूजिक लेकर बजाते हैं ना देवता लोग, और म्यूजिक लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कब भगवान कृष्ण इधर आएंगे और हम दर्शन करेंगे। तब ऐसे सजावट समझ पाते हैं ना, हमने तो ऐसे नहीं किए, कुछ नहीं किए, लेकिन ऐसे वृंदावन में होता है। अभी उसके बाद देवता लोग आते हैं, गंधर्व लोग, किन्नर लोग, विद्याधर लोग, पशु पक्षी लोग, इसके बाद आते हैं वन देवी लोग। पहले जो आए थे वन देवता आए थे, देवी नहीं आए, वन देवी लोग आते बिंदावती के साथ, बिंदा देवी के साथ बहुत प्यार दृष्टि बनाते हैं, क्योंकि जिनका जो राज्य होता है, उनका शासन होता है, जो अभी वृंदावन में लीला हो रहा है, बिंदती उसका मालकिनी है, इसे सारे दूसरा जो अलग अलग वन का जो अधीश्वरी है, वो लोग आकर अलग अलग जगह से आकर पहुंचे एक साथ और बिंदती के पास आकर उनको सेवा मांगते हैं। क्या सेवा मांगते हैं? हम भी कुछ सजाएंगे, हमको भी मौका दो, हम भी चाहते हैं भगवान कुछ सेवा कर पाएंगे। ऐसे वो सारे बिंदा देवी का अपना सहचरी बनकर सेवा करने के लिए अलग अलग गेट बनाते हैं, कोई उधर फूल सजाते हैं, कोई यूज करते हैं, वही सब लाग गए पूरा सेवा में। जैसे आप लोग कोई हमारा उत्सव होता है सेवा में लग जाते हैं आकर, कोई माता जी को खाना बनाते हैं, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते, माला बनाते हैं, जरूर। और जैसे ऐसे सब देखकर और ज्यादा पक्षी लोग, पशु लोग सब आते, ऐसे बनना आता है। इतने पक्षी लोग आ गए, हर डाले में, हर कोने में, हर जगह में भरे हुए। पहले तो कुछ पक्षी लोग आए थे इनिशियली कि उनको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा बोलकर, और भी दूसरे लोग आए, बड़े लोग, बड़े पक्षी भी आ गए। अभी वो लोग आकर अलग अलग जगह में अपना पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। अभी हरिण ग्रुप ग्रुप कर आते हैं, उनका भी मन करता है ना हम भी भगवान दर्शन करें। वृंदावन में कोई लीला हो रहा है, हम वृंदावन का हरिण है, हमारे तो भाग्य होना चाहिए। हरिण लोग आकर उस इतना सजावट देखकर थक गए, समझ नहीं पाते कहाँ आ गए। ऐसे हरिण लोग बहुत चंचल होते हैं, लेकिन आज कभी कभी लोग ऐसे वर्णन करते हैं, सारे गौतव्यथा मतलब उनका मन का सारे दुख दूर हो गया। वो समझते हैं अभी कृष्ण आएंगे, राधा रानी आएंगे, इसी खुशी में वो देखते रहते देखते रहते देखते रहते। जैसे कभी कल क्या होता है, ज्यादा दुख से और ज्यादा सुख से कभी हम स्टैटिक हो जाते हैं। अभी ऐसे कभी दुख हो जाता ना, आप खड़ा होकर ऐसे देखते हैं, समझ नहीं पाते आपके पास में कौन गया कौन आया, होता नहीं। ऐसे वो जो हरिण लोग आए हैं, ग्रुप आए हैं, इनके अंदर आकर देखते क्या 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 हो रहा है, वो लोग आकर ऐसे खड़े हो गए, लगता है कोई आर्टिस्ट से पिक्चर बनाया, क्या होता होता नहीं। तो हरिण से चंचल होना चाहिए, लेकिन आज हरिण चंचल नहीं है, क्योंकि वो भी समझ गए हम कहां एक अद्भुत जगह में आ गया,
आज बहुत बड़े महोत्सव होने वाला है, इसलिए अनुकार का खड़े हो गए। अभी लगता कोई आर्टिस्ट ने कोई स्टैटिक फोटो बनाया, वीडियो नहीं स्टैटिक फोटो, और उसका अंदर वो क्या किए बैठ सब खड़े हो गए। इसके बाद कहां कहां से लक्ष लक्ष गोपी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं गोपी लोग आ रहे हैं। जैसे होता है चिंतामणि, आप चिंता करने से ही चीज प्राप्त होता है, ऐसे पता नहीं कौन चिंता की है लेकिन सारे गोपियों से ग्रुप 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 सब आ रहे हैं। आज जो गोपी लोग आए हैं वो लोग कोई कृष्ण का वंश सुनकर नहीं आए हैं। दूसरे समय क्या होता था, कृष्ण वंश बजाते थे, गोपी लोग घर से भागकर चला जाते थे, रासलीला बोली अलग समय बोली। लेकिन आज तो वंश कृष्ण बने, कृष्ण आए ही नहीं, कृष्ण पिक्चर में नहीं होता है कि नहीं। गोपी लोग आए हैं विदाउट एनी इन्विटेशन, कोई इन्विटेशन दिया गया नहीं, कोई बुलाए नहीं उन्हें। आज ऐसे नहीं हुआ जिन घर में कोई कर्म और आधा छोड़कर भाग कर चला गया। आज ऐसे नहीं हुआ जो अपना गुरुजन लोग को बात नहीं सुनकर चले आए, ऐसी बात नहीं हुआ। लेकिन वो मृगन गोपी लोग सारे लगता है कल्प ध्रुम कल्प वृक्ष जैसे ऐसे ही एक साथ आकर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? आज राधा माधव का झूलन में पार्टिसिपेट करें, राधा माधव का झूलन में वो भी अंशग्रहण करें, वो चाहते हम कुछ करें। वो लोग कैसे सजा होकर आए बनंद बहुत है, हमारा 8:30 बजे क्लास खत्म करना है इसलिए हम जल्दी करते हैं। पूरा सिल्क के कपड़ा पहने हैं सारे सूक्ष्म भूषण, और बसर मिश्र ऐसे बना है जैसे कृष्ण मन में और ज्यादा। अब वही प्रसाद पाकर जाइए, जुलाई में थोड़ा प्रसाद पाकर जाएंगे, ज्यादा देर नहीं। सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहन कर आए हैं, सूक्ष्म रेशमी सिल्क कपड़ा पहन कर आए हैं, और अपना कमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में कमर बोलते हैं, कमर में कुछ पुतला बांध कर लिया है। जैसे हम लोग पहले गांव में जब जमीन जाते थे लोग तब कुछ मूड़ी चिड़ा कुछ लेकर जाते थे, ठीक है ना, जमीन काम करते थे खाते थे, इस पर काम करते हैं आप सब। हम बचपन में बच्चे लोग के लिए कुछ पैसा मम्मी देते थे, कॉइन कॉइन होता था उसको बांध कर रखते थे, ठीक है ना। आजकल स्टैंड हो गया, पकेट हो गया, अलग बात है। ऐसे ही गोपी लोग सारे वो कैसे आए, क्यों आए, वो इतना आनंद में है। आज आज कृष्ण बोला नहीं तब भी आए क्यों ना, भगवान कृष्ण को मन को खरीदना है, भगवान कृष्ण मन को खरीदना है, और उनका साथ काम संग्राम में संग्राम करना है। आज हम कृष्ण को हराएंगे ही हराएंगे, ऐसे भी कैसे, जिसके लिए हम साल भर तैयार हुए हैं, साल भर गोपी लोग तैयार हुए हैं, कैसे तैयार हुए हम बने करते हैं। वो लोग साथ में फूल का धनु लेकर आए, तीर लेकर आए, फूल में बना हुआ, ठीक है, युद्ध करेंगे ना। और क्या लेकर आए हैं, बहुत सुगंधित अगुर, अगुर जानते हैं, अगुर लेकर आए जो लिक्विड होता है। और क्या लेकर आए हैं, कस्तूरी के कदर्म लेकर आए, कस्तूरी होता है ना, बहुत सेंट होता है, कदर मतलब वो थोड़ा कादा कादा जैसे है, नट लिक्विड नट हार्ड सॉलिड,
और लेकर क्या आए हैं, कॉर्पूर का पाउडर लेकर आए हैं, कॉर्पूर का पाउडर लेकर आए हैं, और क्या लेकर आए हैं, चंदन चूर्ण लेकर आए हैं, ठीक है। उसको कैसे लेकर आए वो भी एक बात है, वो तो चीजें बता दिया कैसे लेकर आए, जो पाउडर तो बांध कर लेकर आए, जो तीर्थम का हाथ में लेकर आए हैं, और जो माखा जो कादा कादा जैसे कस्तूरी कदन में है उसको ऐसे लाख्या, लाख्या समझते, लाख्या की हिंदी बोलते हैं, लाख्या बोलते हैं ना जो जल जाता है, आग लग जाता है ना, लाख बोलते हैं ना, वही लाख का अंदर पैसे से बड़ा बड़ा बम बनाए, जो दगम में बम चाहिए ना, बम बनाए, उसका अंदर क्या रखे हैं, कुमकुम रखे हैं, सिंदूर रखे हैं, कस्तूरी का रखे हैं, और लाख्या में उसको भर दिए, ऐसे हल्का में भरे हैं जैसे लगता है एक बार हा कर देंगे हट जाएगा, मतलब बस मैंने सख्त बनाए, जिसको तुरंत माने तुरंत हटेगा, बम के लिए टाइम नहीं लगेगा, ऐसे। और क्या लिख रहा है, साल भर का अलग अलग फूल का जो सेंड होता है उसको भी लिक्विड बनाकर लेकर आए हैं, और वो सेंड मारने के लिए पिचकारी बनाकर लेकर आए, पिचकारी बोलते हैं ना, पिचकारी कैसे बनाए, सोने का पिचकारी है, उसे बहुत सुंदर कारुकार्य किया गया है। इसका मतलब आज जो गोपी लोग आए हैं साल भर से तैयार होकर बैठे हैं, जैसे आप साल भर इंतजार करते हैं कब जन्माष्टमी आएगा, ऐसे वो साल भर इंतजार करते हैं कब झूलन आएगा, हम जाकर भगवान झुलाएंगे और उनको परास्त करेंगे। सारे गोपियों ने पूरा सजावट होकर ऐसे बनाकर आए हैं जिन्हें देखने में लगता है कुछ होने वाला है आज, एक दो नहीं ना, पूरा एकदम ग्रुप आए हैं। आप क्या करते हैं, सब अलग अलग जगह में बैठ गए, इतने लोग एक साथ जब आ गए तो हालत होता है थोड़ा, स्पेशली जहां लेडीज लोग रहते हैं और थोड़ा सा ज्यादा हालत होता है, लेकिन कभी कभी अपने गुस्से में वर्णन करते हैं, उनका अंदर में हम इधर बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे, हम उधर तुम बैठे, उधर हम बैठेंगे, वही करते हैं ना, लगता है उनका जो आपस में जो बात करते हैं कोकिल का जो कंठस्वर है उससे भी और मधुर लगता है। झगड़ा करने से ऐसे कर्कश होना चाहिए था, लेकिन आज का झगड़ा कर्कश नहीं लगता, वो क्यों लगता नहीं कि भगवान के लिए इतना और विमोहित होकर बैठे हैं, इतना तैयार होकर आए हैं, उनका बात में भी कृष्ण माधुरी में घुसा हुआ है, कुकिल से भी और अच्छा उनका जो कलरव ध्वनि है, आपस में जो बात करते हैं, लड़ाई तो नहीं करते लेकिन जिससे थोड़ा सा होता है ना वो ऐसे लगता है। तब सब आ गए, देवता लोग आ गए, गंधर्व लोग आ गए, किन्नर लोग आ गए, और सारे पशु लोग आ गए, पशु पक्षी लोग आ गए, अभी राधा कृष्ण आएंगे, ठीक नहीं। तब दूर से राधा रानी और माधव दोनों आ रहे हैं, माधव का बाएं तरफ राधा रानी है, उनका बाएं हाथ में एक बंसी है, और राधा रानी के स्कंध का ऊपर हाथ रखे हैं कौन, कृष्ण, और दाएं हाथ में एक कमल का फूल ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, कमल का फूल घुमा रहे हैं। जब आ रहे हैं तब उनके कान में पुष्प का कुंडल लगा हुआ है, फूल का कुंडल लगा हुआ है, भगवान का कुंडल होगा तो वो तो सुगंधी फूल होगा, ठीक है, और सुगंधित फूल से कई भ्रमर लोग आकर गिन गिन घूमते रहते, मतलब माधव का कान में भ्रमर लोग घूम रहे हैं, और उनका जो कान जब हिलाते हैं सुगंधी फूल हिलता है,
सुगंध निकालता है, ब्राह्मण का शब्द निकालता है। और भगवान ने क्या किए हैं, ललिता उनको कुछ पान 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 खिलाते हैं ना, पान खिलाए, वो पान में पूरा मुंह तो लाल टकटक हो गया है, लगता है जैसे अभी आज कोई अलग दिन है, आज कृष्ण मतवाल है। जब आ रहे हैं कान मुन का जो भ्रमण लोक का गुमुन शब्द होता है, वो भी जो वस्त्र पहने हैं सिल्क के वस्त्र पहने हैं, जो पूरा उनके शरीर को स्निग्ध और चुम्बन करके रखा है, हाथ में कंकड़ लगा हुआ है, कंकड़ भी थोड़ा सा रिमझिम शब्द होता है, उनका गला में औसत मणि है कि नहीं, कृष्ण गला में औसत मणि के नीचे एक मुक्त का हार है। मुक्त ऐसे दिखने में सफेद है, लेकिन आज वो मुक्त सफेद नहीं लगता है, कौस्तुमणि उसमें रंग क्या है, येलो है। येलो का जो लाइट जाता है अंदर, वो मुक्त का माला सफेद होना चाहिए था, वो आज येलो ही लगता है, समझ गए। और उनके गला में ऐसे हार है, वनफूल हार है, वनफूल मतलब जंगल जो फूल होता है ना, अच्छा जो फूल होता है, फूल का माला पहने, ऐसे करकर भगवान कृष्ण ने अभी प्रवेश कर रहे हैं कहां, इस झूलण मंच में। जब आ रहे हैं सारे देवता लोग अपना वाद्य बजाते हैं, वेलकम करते हैं भगवान को, और जो पक्षी कुल है वो टॉ 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 शब्द करते हैं, मतलब इतने खुश हो जाते हैं, वो सोचते हमारा जीवन का यही ऐसी इस मुहूर्त के लिए हम इंतजार कर रहा था, अभी उसको प्राप्त कर रहा है। और कुछ मयूर उनको देखकर नाच रहे हैं। मयूर कैसे नाचता है, कब नाचता है, बारिश होता है आसमान में, जब मेघ होता है ना, मैं को देखकर मयूर नाचता है। आज क्यों नाचता है, मैं तो नहीं, कृष्ण का शरीर का रंग कैसे है, नवघन श्याम, नवघन श्याम। कृष्ण जब चल रहे हैं उनका साथ में कौन है, राधा रानी है, राधा रानी लगता है इसे लाइटनिंग होता है। राधा रानी का रंग कैसे है, कैसे रंग है, तप्त कांचन गौरांगी, सोना नहीं, सब तक गला हुआ सोना है, सोने का अंदर जैसे हम कुमकुम ढालते हैं ना, ऐसे रंग है राधा रानी का, सोना तक तप्त गला हुआ सोना, उसके अंदर कुमकुम जैसे रंग कैसे हो, ऐसे रंग था राधा रानी का। और वो जो मयूर लोग देखते हैं ना, उनको तो लगता है हम कहां आ गया, मेघ आ गया, बिजली मार रहा है, राधा रानी को बिजली समझते हैं और कृष्ण घन नवघन श्याम मेघ जैसे लगते हैं। ऐसे मयूर लोग काका 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 चिल्लाते रहते हैं। और जो वृक्ष थे, वृक्ष में जैसे लता जो थे, उनका जो फूल था, फूल से रस निकालता है, उनका आनंद शुरू, इतना आनंद शुरू हो गया, आनंद इतना खुश हो गए लता ने, लता पुनाशा, उनका सारे फूल से क्या गिरता है, पानी गिर रहा है, रस गिर रहा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और बड़े बड़े वृक्ष में सारे नया नया मुकुल, क्या बोलते हैं हिंदी में, मुकुल, मुकुल में बड़ी बड़ी बर कली कली है, कली 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 कली, सब सारे बड़े बड़े पेड़ से कली निकालते,
भगवान देख कर समझे, मतलब सारे भगवान को स्वागत करते हैं कि हजूर तुम चले जाओ। ठीक है, हम आप पांच मिनट खत्म करें, अब दाई प्रसाद इतना पढ़ा उन्होंने खराब हो गया। और सिद्ध वधुगण और किन पुरुष लोग, वो लोग अपना अपना नाचते हैं और बजाते हैं। सारे उर्वशी आदि जो नर्तक लोग स्वर्ग का, वो लोग नाचना शुरू कर दिए, क्योंकि देवता लोग बजाना शुरू कर दिए। और देखने में लगता है जो मयूर एक दिन कृष्ण को देखा था, वो भी आज भगवान को समझ नहीं पाते, सोचते मेघ आ गए और सारे देवता को आनंद में है। ऐसे अद्भुत एम्बियंस सिचुएशन तैयार किया गया है जहां भगवान अभी झूलन मंच में प्रवेश करेंगे। और लगता है इसे इसे मंदाकिनी स्वयं गंगा देवी आज प्रवेश कर रहे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि जमुना का हवा इतना सुशीतल हवा है, और हवा से लगता है कोई जैसे गंगा का जो वेव्स होता है ना, ऐसे एक महसूस होता है। ऐसे अनिर्वाचनीय अति रमणीय एक परिवेश बना हुआ है जहां भगवान कृष्णचंद्र राधा रानी के साथ अभी प्रवेश कर रहे हैं। कहां? झूलन मंच में। जब झूलन मंच में जाते हैं, झूलन मंच का वर्णन क्या है, ऐसे बना हुआ है। और देवता लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, कैसे कैसे हम ठीक देखेंगे ऐसे देखकर अलग अलग जगह में बैठ गए। और जो देवी लोग आए थे, देवता लोग पत्नी लोग आए थे, वो भी उधर इस उर्वशी लोग, वो लोग भी नाचने लगे और वर्णन करते हैं। ललिता देवी, विशाखा देवी, वो लोग राधा रानी और कृष्ण साथ साथ चामर और पाखा देकर साथ साथ आते हैं। ऐसे मंगलमय गान, एक मंगलमय स्थिति को देखकर कृष्ण भी और थोड़ा ज्यादा मातुआर महसूस होते, क्योंकि उनका जो मूड था, आने का मूड, मूड को और एनहांस करता है और थोड़ा पावरफुल करता है। कौन सा? जो बना हुआ सजावट जो स्थिति है। और जब वो प्रवेश करते हैं, तब जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अभी गोपी लोग तो अभी युद्ध करेंगे, काम युद्ध करेंगे ना, आए ना सजाकर। तो पहले वाला सामने वाला जो गोपी लोग थे, वो लोग क्या किए, तुरंत जितना अबीर, अबीर क्या बोलते हैं, अबीर, वो अबीर को भगवान की तरफ छूने लगे, के पास पास में दूर से नहीं जाएगा। इतना मारते हैं पूरा आबीर, अभी सब कुछ देख नहीं पाते हैं। आज जो देवदा लोग आसमान में थे, उन्होंने कहा कहां चला गया हम लोग, उधर आते कोई मेघ ढाक दिया कृष्ण, हम दर्शन करने इधर आया, अभी भी भरा हुआ है। इसे वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जैसे सूरज होते हुए भी कभी क्या मेघ ढाक देता है सूरज को, ऐसे वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से आसमान से मकरंद किरण करते हैं। मकरंद मतलब अमृत उभरते गिराते हैं, और ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। उससे क्या हुआ, सारे जो दूल्हा था वो सारे बैठ गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, जब बैठ गया गोपी लोग नाराज हो गए, क्या बात है, हमने इतना कोशिश करते सब कोशिश किया था पराजित करने के लिए, अब जो देवदार को आकर हमने धावा कर दिया। तुरंत वो लोग क्या किए, चंदन का जो लक्षा था, लक्षा मतलब सेमी लिक्विड, उसको सारे भगवान को मानने लगे कृष्ण को, चार तो सजावट रेडी थे ना हम लोग। जब मानने आते हैं तो ललिता विशाखा लोग, वो लोग सब रोकते हैं, पकड़ लेते फेंक देते नीचे। ठीक है, नीचे क्या हो गया, कादा कादा हो गया। ऐसे तो अभी सब गिरा था पहले, अभी चंदन कर्पूर जो था वो गिरता है।
और एक तो कभी उनका शरीर में मुंह में कहीं लग जाता है कृष्ण का, सब तो अटक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। तो राधा रानी उनको मुझ से पूछ देते हैं। वर्णन आता है राधा रानी पूरा शरीर उनका पसीना पसीना हुआ है। क्यों पसीना पसीना हुआ है? भगवान कृष्ण की सेवा वो समझ नहीं पाए, ऐसे स्थिति में वो अगर भगवान साथ एक साथ झूलेंगे वही आनंद से आत्मनिर्भर होकर अष्ट शक्ति विकार का प्रदर्शन हुआ है। अष्ट शक्ति विकार से उनका शरीर कंपमान होता है और क्या होता है, पूरा पसीना हो गया। उसी में भगवान का जब कोई लाल देता है उनके शरीर में उसे पूछते रहते हैं और सारा गोपी लोग परेशान हो गए, क्या हुआ यार, इतना कोशिश करने के बाद कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद सारे पिक्चर निकाल दिए, पिक्चर निकाल कर ब्रश मारने लगे सब चार तरफ मारकर उस जगह को। ऐसे तो किचन था ही था पहले से, किचन हो गया था इतने तक, और मारकर पूरा एकदम पानी पानी हिला दिए थे। इतना गोपी लोग मारेंगे क्या करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्णचंद्र जब देखते हैं कोई उपाय नहीं है, वो खुद जाकर पानी को रोकते हैं। ऐसे भगवान का सजावट ऐसे था। इसके बाद हम लोग झूलन करने आएंगे, अभी झूलाएंगे, ठीक है, यही हम रखते हैं, आप झूलाना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत लेट हो गया, 8:30 में खत्म होना, 8:40 में। जय कृष्ण भगवान की जय, झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गीताय गौर प्रेमानंदे। आप सब झूलाइए, झूलने के बाद प्रसाद पाएंगे, जाएंगे। झूलन कंटिन्यू रहेगा, तो जब आप लोग आएंगे भगवान को